हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तारा स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, then Tara would have score 50 marks. Assume that Tara attempt all question, find the total number of the question in the test. CBSE 2024 के एग्जाम का एक क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ले हम लोग यहाँ पे लेट कंसिडर करके स्टार्ट करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट लेट कंसीडर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी वाई। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं एक्स है और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने वाई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस वन क्या है, केस वन के अंदर आपको करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट का -1 होगा। तो करेक्ट आंसर के, सपोज कि करेक्ट आंसर कितने उसके एक्स है, तो 3 × x हो जाएगा करेक्ट आंसर के मार्क्स 3x, और माइनस मार्क्स हो रहे किसके, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो 1 × y और टोटल उसको कितने मार्क्स आए, तो करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस रॉन्ग आंसर के मार्क्स इज इक्वल टू 40 मार्क्स उसको मिले। ए इक्वेशन 1 आपका बन गया। और केस 1 के अंदर हो गया, और केस 2 के लिए करेक्ट आंसर के हर एक करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना है 4 है, तो केस 2 के अंदर 4x करेक्ट आंसर के मार्क्स माइनस लूजिंग 1, 2 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, तो 2 × y करेक्ट आंसर के मार्क्स 4x हुए और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स क्या हुए 2 है, तो उसको करेक्ट आंसर मार्क्स माइनस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स इज इक्वल टू उसको कितने मार्क्स मिले हैं 50 मार्क्स मिले हैं। इक्वेशन आपका 2, इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा, 4x डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2x मिलेगा, माइनस 2y डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस वाई मिलेगा, इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 25, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलिमिनेशन करो, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और जो इक्वेशन 3 है ये इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3 नंबर की इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। नाउ यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट यानी कि क्या होगा, सभी की साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी साइन चेंज, यानी कि यहाँ पे 2x प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई था वो प्लस वाई हो जाएगा और 25 जो प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y करोगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई प्लस वाई, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0, और 40 माइनस 25 करोगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा, सो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 15 मिल गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग 2 ब्रैकेट में 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 15 टू जा कितना होगा 30 होगा, प्लस 25 वो इस साइड आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू माइनस वाई था वो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 माइनस 25 यानी कि क्या मिलेगा आपको वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। नाउ यहाँ पे करेक्ट आंसर के क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्वेश्चन आपको x की वैल्यू 15 मिली, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज 15,
और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हैं? 5। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? 15 मिलेंगे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आपको कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। ठीक, वापस यहाँ पे एक बार समझ लेते इसको सॉल्यूशन को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि एक एग्जाम है तारा, वो एग्जाम के अंदर 40 मार्क्स गेन करती है यदि उसके करेक्ट आंसर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई यानी कि कितना होगा? 15 प्लस 5 यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तारा ने जो एग्जाम दी थी उसको 40 मार्क्स मिले, उसमें करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिले? 3 मिले, तो 3x होगा। और इनकरेक्ट का माइनस होगा तो माइनस वाई इक्वल टू 40। और इक्वेशन 2 बनेगा कि करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स यदि क्या होते हैं? 4 मार्क्स होते हैं, और इनकरेक्ट के क्या होते हैं? 2 मार्क्स माइनस होता, यानी कि 4x माइनस 2y, y नंबर ऑफ द क्वेश्चन इनकरेक्ट कितने? y है, माइनस 2y, 4x माइनस 2y यानी कि 50 मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि पहले तो इक्वेशन 2 है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमें 2x माइनस y इक्वल टू 25 मिला। नाउ यहाँ पे इक्वेशन 1 में से, सॉरी इक्वेशन 3 में, 1 में से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 3x माइनस y इक्वल टू 40 और 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 25, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस 2x यानी कि आपको x मिलेगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 25 करोगे तो क्या मिलेगा? 15। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 15 मिलेगी। नाउ ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो क्या होगा? x की जगह पे 15 यानी कि 2 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 25, तो 15 टू जा कितना होगा? 30 30, और यहाँ पे प्लस 25 था वो इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस 25, और यहाँ पे माइनस वाई था वो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या? 30 माइनस 25 यानी कि वाई की वैल्यू 5 मिलेगी। सो नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर कितने हैं? 15 है। नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने हैं? एक्स प्लस वाई यानी कि 15 प्लस वाई यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। नाइस डे।